शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आपका जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था द लास्ट लेसन, उसके हमने पार्ट वन और पार्ट टू का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझा था और मुझे आशा है कि आप सब इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और आज हम इसका पार्ट थर्ड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट थ्री। आप सब अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और रीड करें मेरे साथ में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। फ्रांस अल्सेस They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have to seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब यहाँ पर फ्रेंच बता रहा कि जैसे उस दिन उनका फ्रेंच भाषा का आखिरी पार्ट था और एम हैमल उनको पढ़ा रहे थे फ्रेंच भाषा के लिए, उस समय उन्होंने व्याकरण का, ग्रामर का जैसे ही पाठ खत्म किया, उसके बाद उन्होंने लिखने वाला पाठ यानी लेखन अभ्यास चालू किया। उस दिन एम हैमल उन सब के लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे जिन पर बहुत ही सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस। ये सम्मान था उनका अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति। वो सब कॉपियां ऐसी लग रही थी जैसे छोटी छोटी झंडियां यहाँ वहाँ फहरा रही हूँ उस क्लास के कमरे में, उस स्कूल के कमरे में, और उनके डेस्क के ऊपर एक छड़ी से लटकी हुई थी। अगर आप वहाँ देखते तो देखते कि कैसे सबके सब अपने काम में लगे हुए थे और कितना शांत माहौल लग रहा था वहाँ पर। वहाँ पर इतनी शांति थी कि जब पेपर पे पेन से कोई लिख रहा था तो उस समय लिखने से, पेन से लिखने की जो आवाज़ थी बस वहाँ पर गूंज रही थी। वन सम बीटन फ्यू इन, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे कीड़े आ गए थे लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने भी उन उड़ते हुए भृंगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो भाषा तो मतलब लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे थे, मछली और कांटा बना रहे थे, मतलब ड्राइंग बना रहे थे। उन बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वो भी एक फ्रेंच भाषा का पार्ट हो। उसी कमरे में ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और ऊपर छत की तरफ जो कबूतर थे वो बहुत धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे। तब फ्रेंच सोचता है कि अरे अब क्या ये जर्मन भाषा इन कबूतरों को भी पढ़ाई जाएगी, क्या ये कबूतर अब जर्मन में अपना आवाज गाएंगे या अपना गाना गाएंगे? तो ये फ्रेंच का एक बहुत क्वेश्चन था जो उसके मन में चल रहा था। उसको एक आक्रोश था कि उनकी फ्रांस भाषा उनसे, फ्रेंच भाषा उनसे क्यों छीनी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। फैंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। अब फ्रेंड्स बोलता है कि जैसे ही मैं लिखने से अपना सर ऊपर करके देखता था तो मैं देखता था कि एम हैमल जो थे वो निश्चल रूप से मतलब मोशनलेस, मतलब बिना कोई एक्टिविटी, बिना कोई गति के वो अपनी चेयर कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो बारी बारी से एक एक चीज़ को टकटकी लगा कर देख रहे थे। पहले एक चीज़ को देखते, फिर दूसरी चीज़ को देखते,
और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दिमाग को फिक्स करना चाहते थे कि इस छोटे से कक्षा के कमरे में किस प्रकार हर चीजें दिखाई दे रही हैं, कितना आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा है। जरा सोचिए कि कैसी प्रत्येक चीज लग रही होगी। 40 वर्षों से एम हेमिल उसी जगह पर रहते थे। खिड़की से बाहर की तरफ अगर हम देखें तो उनका बगीचा और उनके सामने तरफ उनकी कक्षा बिल्कुल आज की तरह ही। Only the decks and benches had been worn smooth. Worn smooth यानी घिस घिस कर चिकना हो जाना। तो जो डेस्क और कुर्सियां थे वो बस क्या थे कि ज़्यादा यूज़ के कारण, जब कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ होती तो घिस के अपने स्मूथ नहीं हो जाती, तो वैसी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टेलर, और जो अखरोट के पेड़ थे वो कैसे हो गए थे, बड़े हो चुके थे, लंबे हो चुके थे। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और एक होप वन हाई की बेल जो होती, फूलदार जो एक बेल उन्होंने लगाई थी अपने हाथों से, वो कैसी हो गई थी, आपस में गुद कर खिड़कियों के सहारे से छत तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। अब आप सोच सकते हैं कि ये उनके हृदय को किस प्रकार तोड़ रही होगी, ये सारी चीजें उनकी यादें उनको कितना तोड़ रही हैं, कैसे हर चीज़ को उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी बेचारे व्यक्ति। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो अपनी बहन की चलने की आवाज़ ऊपर रूम से सुनाई उनको दे रही थी। जो क्या कर रही थी उसकी बहन, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और ट्रंक में अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, वो ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि उनको अगले ही दिन इस देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. अब यहाँ पर फ्रेंड्स बोलता है कि लेकिन एम हेमिल को इतना दुखी होने के बाद भी कि उनको अगले दिन इस देश को छोड़कर जाना है, इसके बाद भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने सारे पाठ हम लोगों को अंतिम क्षणों तक, लास्ट समय तक पढ़ाए। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग सेक्शन होने के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन अटेंड किया, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपना गाना गाया। कौन सा गाना गाया वहाँ पर फ्रेंड्स, भाषा का बा बे बी बो बू वाला गाना गाया। और उसके बाद पीछे कमरे के पीछे जो ओल्ड हाउजर था उसने अपने चश्मे क्या कर दिए, पहन लिए, और अपनी जो प्राइमर कायदे की जो बुक थी उसको दोनों हाथों में पकड़ लिया और अक्षर जोड़ने लगा। उस समय आप देख सकते थे कि वो कितना दुखी था, कितना रो रहा था, उसकी जो आवाज़ थी वो इमोशन के कारण, भावनाओं के कारण कैसी हो रही थी, कपकपाहट भरी थी। लेकिन हम लोग तो छोटे, तो हम लोग को ये सब कैसा लग रहा था, बहुत फनी लग रहा था, और ऐसा विचित्र लग रहा था कि हम सब क्या करना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। मतलब बूढ़े हाउजर की आवाज़ को सुनकर हमें बहुत विचित्र लग रहा था। ओह, मुझे अच्छी तरह याद है ये मेरा कैसा ये अंतिम पाठ रहा। आप आगे देखें, माय फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब एम हेमिल ने कुछ बोलने के लिए बोला, क्या बोला, उन्होंने बोला कि अरे मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, अब क्या है, अब फ्रेंड्स जब राइटिंग सेक्शन कर रहा था तभी तभी वो क्या करता था, उनको देखता था, एम हेमिल को देखता था कि वो किस प्रकार से अपने इस छोटे से क्लासरूम में पूरे हर चीज़ों को टकटकी लगाकर देख रहे थे और कुछ ना कुछ सोच रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands,
spelled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. फ्रेंड्स कह रहा है कि एम हेमिल भले ही दुखी थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी, करेजन, इतनी शक्ति थी कि उन्होंने आखिरी क्षणों तक हमारे सारे लेसन्स को लास्ट तक पढ़ाया। लिखने के बाद हम लोगों ने हिस्ट्री यानी इतिहास का पाठ भी पढ़ा, और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने एक स्वर में बा बे बी बो बू वाला गाना भी गाया, और उसी कमरे के पीछे तरफ जो ओल्ड हाउजर, जो बूढ़ा हाउजर था, उसने अपने चश्मे पहन लिए और जो कायदे की बुक थी, जो प्राइमर की बुक थी, उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था और वो अक्षरों को जोड़कर पढ़ रहा था। उस समय तुम देख सकते थे कि वो क्या था, रो रहा था। उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं के कारण बहुत अवरुद्ध होकर के आ रही थी, बड़ी विचित्र टाइप की आ रही थी, कांप रही थी, और उस समय उसका बोलने से क्या हो रहा था, हम लोगों को बहुत कैसा लग रहा था, विचित्र लग रहा था, फनी लग रहा था, उसकी आवाज़ सुनने से बहुत विचित्र लग रहा था। हम सब क्या करना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे और रोना चाहते थे। वो अंतिम पार्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये कौन कह रहा, फ्रेंड्स कह रहा। नाउ आगे क्या होता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब वो क्या बोलता है कि जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज सुनाई दी, उस समय दोपहर वाली प्रार्थना भी हुई, घंटियां भी बजी, उसी समय क्या हुआ, जब 12 बजे तभी ट्रम्पेट यानी तुरहियां जो बजाने वाद्य यंत्र है ना, तो प्रशियन सोल्जर जो थे वो ड्रिल करके वापस लौटे तो उनके नगाड़ों की आवाज़ वहाँ खिड़की से सुनाई दे रही थी। तभी एम हेमिल जो थे वो खड़े हो गए, कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। वे काफ़ी उदास भी दिखाई दे रहे थे और मैंने कभी भी उनको इतना लंबा प्रतीत होते नहीं देखा था। अब आगे देखें बच्चों। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने कहा मेरे मित्रों मैं करते करते उनका जो गला था वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, मतलब बहुत भावनाओं से उनका गला चोक हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वो श्याम पट की तरफ पीछे मुड़े। वे टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा उठाया, एंड वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वे क्या करे, रुके और एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत का सहारा लगाते हुए उन्होंने जितना लंबा और बड़ा लिख सकते थे उतना लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने उस पर, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हैट अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के वहाँ पर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड अ गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों के इशारा करते हुए मतलब समझ लिए, इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मतलब अब जो है स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो बच्चों ये था लास्ट लेसन। उस फ्रेंड्स बच्चे के ऊपर क्या गुजरी जब उसको उसकी भाषा के विपरीत दूसरी भाषा सीखने के लिए बोला गया। तो किस प्रकार से हमें अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक